चलिए, तो कंटिन्यूटी का हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है और प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और एक क्वेश्चन जो है किसी स्टूडेंट ने पूछा था हमसे। क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज जो आपकी थी कंटिन्यूटी वाले 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले 24 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 24 नंबर क्या है क्वेश्चन, डिफाइंड डिटरमाइन इफ एफ इज डिफाइंड बाई, एक फंक्शन हमारा जो इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स और जीरो। एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स कब है डेफिनेशन, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये डेफिनेशन हमारी कब वैलिड है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरी हमारी डेफिनेशन कब के लिए है, जब इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। दूसरी डेफिनेशन हमारी है इफ एक्स इज इक्वल टू वॉट जीरो। ठीक है, और हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो चेक करना है कि फंक्शन हमारा जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी गई है जो है ना, वो डेफिनेशन देखो जीरो के अराउंड वेरी कर रहा है। मतलब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो जब हमारा एक्स जो है इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है सपोज, ठीक है, हमको जो चेक करना है कंटिन्यूटी कहाँ पर, किस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हेन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, सपोज एक्स लेस देन जीरो है, पहली डेफिनेशन लगेगी। पहली डेफिनेशन कब लगेगी, जब जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं मतलब लेस देन जीरो है या तो ग्रेटर देन जीरो है। तो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, तो एफ ऑफ एक्स उस समय हमारा क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वन बाई एक्स। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमको क्या है, हमको तो पूरे रियल लाइन पर चेक करना है ना, हमको पूरे रियल लाइन पर चेक करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो पूरे रियल लाइन पर जब चेक करना है, देखो हम लोग करेंगे क्या, लेस देन जीरो के लिए अलग चेक कर लेंगे, ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग चेक कर लेंगे और जीरो पर अलग से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता, जो लेस देन जीरो के लिए एक बार में चेक कर लेंगे, ग्रेटर देन जीरो के लिए एक बार चेक कर लेंगे और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे सेपरेट चेक कर लेंगे। ठीक है, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, सपोज कोई भी लेस देन जीरो वाला कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ ए। ठीक है, एक ऐसा है जीरो से छोटा है ना, लेट लेट ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, सपोज ए माइनस इन्फिनिटी टू जीरो बिलोंग करता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले लिया। ठीक, अब ए पे क्या करेंगे, हम लोग दिखाएंगे कि ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है, या ए पे हम लोग क्या डायरेक्ट दिखा देंगे, लिमिट ए पे लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर है, तो हम लोग कह देंगे फंक्शन ए पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा और ए हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब लेस देन जीरो वाले जितने पॉइंट है सभी पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा प्लानिंग होगा। ठीक है, तो मैं ले लिया कि लेट ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, ए पे लिमिट निकालते हैं ना, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ना निकाल के बल्कि डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। ठीक, तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, और आपका एफ ऑफ x कितना है, x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ वन बाई एक्स, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है, अब x इज इक्वल टू ए पुट कर दें तो कितना आ जाएगा बताओ, डायरेक्ट पुट कर दें कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वन बाई ए, और हमारा ए इक्वल टू जीरो तो है नहीं, हमारा ए जीरो से छोटा है, कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी आएगी ये, है ना, कुछ ना कुछ जो है हमारा क्या आएगा, कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी तो हमारे पास आने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, ए स्क्वायर साइन वन बाई ए लिमिट आ गई। और दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अगर निकालना चाहें, या फिर आप ए निकालना चाहें, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, साइन वन बाई ए आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू साइन वन बाई ए आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर साइन वन बाई ए और ए स्क्वायर, तो देखो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पे और लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर आ गई, हम लिखेंगे सिंस सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इम्प्लाइज दैट
यहाँ से कंक्लूजन क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। पूरे इंटरवल में क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। कौन से इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में। बाई सिमिलर आर्गूमेंट, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे तो थोड़ा सा काम कम हो जाएगा हम लोगों का। बाई सिमिलर आर्गूमेंट वी कैन से दैट वट एफ इज कंटिन्यूअस इन जीरो टू इन्फिनिटी में भी इसी तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा जो डाउटफुल पॉइंट है वो कौन सा है, x इज इक्वल टू जीरो। नाउ आवर डाउटफुल पॉइंट इज वॉट, x इज इक्वल टू जीरो। अब x इज इक्वल टू जीरो पे हम लोग लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ x, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, जीरो माइनस h। ठीक है, कितना आ जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन थी एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई x। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई x, ये था हमारा। ठीक है, तो इसमें x यहाँ पर क्या रखना है, जीरो माइनस एच, देखो जीरो से कम है मतलब जीरो माइनस एच, मतलब यही डेफिनेशन लगेगी फर्स्ट वाली। ठीक है, और रखना क्या है, x यहाँ पे माइनस एच रखना है, एफ ऑफ माइनस एच रखना है, कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर साइन ऑफ माइनस वन बाई एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ माइनस एच कितना हो जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस वन बाई एच, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, देखो साइन ऑफ माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा और साइन ऑफ कितना आ जाएगा, वन बाई एच आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये एच इज इक्वल टू जीरो अगर हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, एच इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जीरो इंटू आ जाएगा, जीरो इंटू साइन वन बाई जीरो, ऐसा नहीं सोचना वन बाई जीरो इन्फिनिटी होगा तो डिफाइंड नहीं होगा। देखो साइन को कुछ भी वैल्यू देते जाओ, साइन को अगर आप कुछ भी वैल्यू दोगे उसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा कहाँ से आता है, माइनस वन से वन के बीच में आता है और ये ग्राफ आगे चलता जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, जीरो इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन। कोई भी क्वांटिटी आएगा, कितना, माइनस वन टू वन के बीच का कोई आउटपुट आएगा और बाहर क्या लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया वो कितना आ गया, जीरो आ गया। सिमिलरली अब हम देखो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस h, और वो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे h इज इक्वल टू जीरो रख दोगे तो जीरो इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी, जीरो इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन माइनस वन टू वन वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फंक्शन की वैल्यू अगर निकालोगे, अगर f ऑफ जीरो हम लोग निकाल लें तो कितना आ जाएगा, जीरो, मतलब f ऑफ जीरो का मतलब जीरो का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वन बाई जीरो। ठीक, साइन वन बाई जीरो का मतलब क्या हो गया, साइन इन्फिनिटी पे भी वैल्यू, जब साइन को इनपुट माइनस इन्फिनिटी भी दोगे ना, सॉरी इन्फिनिटी भी दोगे तो जो उसका आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, माइनस वन टू वन आएगा और बाहर लगा हुआ जीरो। इसको भी क्या लिखोगे, जीरो इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी
बिटवीन माइनस वन टू वन तो ये भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू सब मिल रही है, बराबर मिल रही है। देयर सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूअस, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनल कंक्लूजन क्या लिखोगे आप, ऊपर से नीचे से मिला के कंक्लूजन हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूजन हम लोग ये लिखेंगे एफ इज कंटिन्यूअस इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरे रियल नंबर पे ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन जो है, अच्छे क्वेश्चन कौन से हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इसको, बोर्ड की एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है कि एक फंक्शन आपके पास है, व्हाट इज गिवन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स, के कॉस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, थ्री इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन द एक्सरसाइज 26 टू 29। अब बगल में दिया हुआ एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस है तो आपको के की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ मैं, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू फाइंड के, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो एक्स इज इक्वल टू पाई पे पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस फंक्शन, इस बात को हम लिखेंगे सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसका मतलब पाई बाई टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। लिमिट एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे अब देखो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अभी एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ, और जहाँ पर एक्स है वहाँ पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, पाई बाई टू माइनस एच पुट करने वाले हैं, एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच पुट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो एक बार डेफिनेशन को मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना था, ये था के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। ये डेफिनेशन हमारी थी कब, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वॉट पाई बाई टू, पाई बाई टू के बराबर नहीं, मतलब पाई बाई टू से या तो कम या तो पाई बाई टू से ज़्यादा। आपकी बात देखो इनपुट आपका क्या है, पाई बाई टू से कम है क्योंकि पाई बाई टू माइनस एच लिखा हुआ है, तो पाई बाई टू में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पाई बाई टू से कम आएगा, मतलब ये डेफिनेशन लगने वाली। ये डेफिनेशन क्या कहता है कि जब उसको इनपुट एक्स दोगे तो आउटपुट क्या देगा, के टाइम्स कॉस ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू टाइम्स इनपुट, ऐसे पढ़ना है इसको आपको, ठीक। अब देखो लिखने जा रहा है के कॉस ऑफ इनपुट कितना भाई, पाई बाई टू माइनस एच, और नीचे कितना आपके पास, पाई माइनस
टू टाइम्स इनपुट, इनपुट कितना है 5/2 माइनस एच, सिंप्लीफाई कर लो इसको। ऊपर देखिए क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये सभी को मालूम है, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री है। और नीचे क्या आ जाएगा, ओपन करो तो ये आ जाएगा पाई माइनस, भीतर 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा पाई, और प्लस कितना आ जाएगा 2h, ठीक, पाई पाई कट जाएगा। और यहाँ पर बराबर लिखते जाना आपको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे भी बगल में लिख देंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो क्या बचा हमारे पास, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर क्या बचा के, ठीक है के, और नीचे देखो ये कितना 2h है ना, ये के बाई 2 एक साथ कर लेते हैं, और ऊपर है साइन h और नीचे कितना है h, इसको एक साथ कर लेते हैं। के बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा के बाई 2 बाहर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और क्या बचेगा साइन h अपॉन h, और साइन h अपॉन h कितना आता है 1 आता है, ये आपको मालूम है। साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जो वैल्यू है ना, ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितना आ जाएगा, के बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझे राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं बेटा, ठीक है ना, क्यों नहीं है ज़रूरत है। देखो ऊपर जो आपने लिखा था कि अगर फंक्शन पाई बाई 2 का कंटिन्यूअस है, उसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 कर दो, है ना, उसको इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन ये, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहाँ डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब 1 में हम लोग क्या करेंगे ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं और फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे रेफरेंस में, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम 1, ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम 1। 1 क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। राइट हैंड लिमिट को हम हटा देते हैं, राइट हैंड लिमिट से हमारा कोई फायदा नहीं, हमारा इतने से ही वैल्यू आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया आपका, के बाई 2 आ गया, और पाई बाई 2 के फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसका मतलब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो आप, समझ लो आप, कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए आप। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और ऐसा ही करवा देता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 28, वही एक्सरसाइज है 5.1, क्वेश्चन नंबर 28। आसान क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1 28 में, के एक्स प्लस 1, और दूसरी डेफिनेशन क्या है, कॉस एक्स। ये कब वैलिड है, फर्स्ट वाली डेफिनेशन कब वैलिड है, इफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू पाई, इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई, राइट हैंड साइड में क्या है, इफ एक्स इज व्हाट, ग्रेटर देन पाई, ठीक। यहाँ पे गिवन है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस, इफ एफ इज कंटिन्यूअस, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, पूछा जा रहा k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो अब देखो हम वही बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, है ना, राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस f इज कंटिन्यूअस, सिंस f इज कंटिन्यूअस at x is equal to pi, this implies that limit x tends to pi minus f of x is equal to limit x tends to pi plus f of x is equal to f of pi, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अब हम लोग कोई एक लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, देखिए लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे आप, लिमिट जो एक्स टेंडिंग टू पाई हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो में, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पर हम लोग क्या रखने वाले, पाई माइनस एच पुट करने वाले। पाई माइनस एच का मतलब पाई से कम, पाई से कम है, इसका मतलब कौन सा डेफिनेशन लगेगा, फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। और फर्स्ट डेफिनेशन कितनी थी हमारी, के एक्स प्लस 1, फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1, मतलब एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू के टाइम्स इनपुट प्लस 1। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के टाइम्स इनपुट, इनपुट कितना दे रहा है, पाई माइनस एच,
पाई माइनस एच और प्लस वन। अब इसमें एच इज इक्वल टू जीरो रख दो आप, कितना आ जाएगा के पाई प्लस वन, ये लेफ्ट लिमिट आ गया। चलिए अब राइट लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे पाई प्लस एच। पाई प्लस एच का मतलब पाई से ज़्यादा है, पाई से ज़्यादा के लिए डेफिनेशन आपकी कौन सी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब सेकेंड वाली डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे इनपुट एक्स देते हैं तो आउटपुट क्या आता है कॉस ऑफ इनपुट, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कॉस ऑफ इनपुट, इनपुट कितना है पाई प्लस एच है, ठीक है। और कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग चले जाएंगे कितना आ जाएगा माइनस कॉस एच आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस कॉस एच, और एच इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो कॉस जीरो कितना आता है वन, कितना आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी माइनस वन, सो कोई इक्वेशन थर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं, नाउ फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, वन में क्या था, वन में क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या निकली है एक बार देख लीजिए ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका निकला है के पाई प्लस वन, के पाई प्लस वन लेफ्ट लिमिट निकला आपका के पाई प्लस वन, राइट लिमिट क्या निकला आपका माइनस वन, और फंक्शन की वैल्यू पाई पे कितनी आ जाएगी वो फर्स्ट डेफिनेशन से हम लोग निकाल पाएंगे पाई पे वैल्यू जो है कि वो भी कितनी आ जाएगी के पाई प्लस वन, ठीक है। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है, फर्स्ट वाला थर्ड वाला एक ही है, तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड को कंपेरिजन करवा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड को कंपेरिजन करवाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से के पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस टू, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू अपॉन पाई, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस टू अपॉन पाई, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन पाई विल बी योर आंसर, ठीक है। एक बार देख लो इसको, इस चैप्टर का जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये अब इसको लिख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज वही है आपकी 5.1, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ओके, और यहाँ पे कितना है 21, 21, इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ये डेफिनेशन कब है, इफ x इज वॉट ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 10, और थर्ड डेफिनेशन आपकी कब वैलिड है, इफ x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10, इफ x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10, ठीक है। कहा जा रहा है कि इफ f इज कंटिन्यूअस, इफ f इज कंटिन्यूअस, इफ f इज कंटिन्यूअस देन फाइंड ए एंड बी, कंटिन्यूअस का मतलब पूरे रियल नंबर में क्या है कंटिन्यूअस है, तो आपको बताना कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए दो दो आपको अननोन निकालना है, तो इसका मतलब दो अननोन की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब दो इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। एक इक्वेशन देखो कहाँ से आएगा, हम लोग टू पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और एक बार इसकी कंटिन्यूटी 10 पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, 10 ऑल्सो, 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब हर जगह कंटिन्यूअस है तो 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो चलो 2 पे निकालते हैं लेफ्ट लिमिट, लिमिट देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तो एक बार लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, ठीक है। चलो टू पे लेफ्ट लिमिट निकाल लेते हैं, तो कैसे लिखोगे आप इस बात को, लिमिट इसको कोई इक्वेशन बोल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको क्या लिखा जाएगा, लिमिट। अब देखो एक्स टेंडिंग टू टू है ना, हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स पुट करेंगे, वन एक्स टेंडिंग टू टू देन एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसको प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। एफ ऑफ और एक्स के जहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, टू माइनस एच पुट करेंगे, टू माइनस एच पुट करेंगे तो कौन सा डेफिनेशन लगेगी, फर्स्ट डेफिनेशन जो कि फाइव है, तो फाइव हमारे फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, एक बार देख लो, फाइव है, जब टू से छोटा है तो फाइव है, तो फाइव से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है आपको, है ना, फाइव से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, मतलब ये आप यहाँ पे ये लिखने वाले हैं, लिमिट यस टेंडिंग टू जीरो, इनपुट आप कुछ भी दीजिए, आउटपुट तो कितना आने वाला, फाइव, और हमारा ये एच इज इक्वल टू जीरो तो इसमें है नहीं, एच से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट कितनी आ जाएगी, फाइव आ जाएगी, कोई फायदा नहीं हुआ इससे, लेफ्ट लिमिट निकालने से कोई फायदा नहीं, चलिए राइट लिमिट निकाल लेते हैं, एक्स टेंडिंग टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स, इससे फायदा होगा हमको, ठीक है, कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर कितना पुट करेंगे, टू प्लस एच, अगर टू प्लस एच मतलब टू से ज़्यादा है, टू से ज़्यादा तो सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन क्या लिखा गया, ए एक्स प्लस बी, क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज इक्वल टू लिमिट यस टेंडिंग टू जीरो ए एक्स, एक्स का मतलब इनपुट, इनपुट कितना दे रहे हैं, टू प्लस एच और प्लस बी, और अगर इसमें हम एच इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो कितना देगा, टू ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक। अब इस इक्वेशन में पुट कर दें तो एक इक्वेशन हमारा बन जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें तो लेफ्ट लिमिट फाइव, राइट लिमिट कितना आएगा, टू ए प्लस बी, और फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू टू पे कितनी है, फाइव है, फ्रॉम वन से इक्वेशन एक हमारा बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन टू ए प्लस बी इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट कितनी है, फाइव, राइट लिमिट कितनी है, राइट लिमिट हमारे कितनी है, टू ए प्लस बी, तो टू ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिल गया, फाइव मिल गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक इक्वेशन बन चुका है, इसको कुछ नाम दे दो, कुछ सेकंड दे देते हैं, अब हम आगे बात करेंगे टेन पे, ठीक है, टेन पे, नाउ सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टेन, टेन पे कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू टेन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू टेन प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टेन, ठीक है। तो टेन पे वैल्यू कितनी है, ट्वेंटी वन, ये तो हमको मालूम है, ये तो ट्वेंटी वन है ना, थर्ड डेफिनेशन आप देखिए, टेन पे वैल्यू कितनी है, ट्वेंटी वन, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालना है, मैं लेफ्ट लिमिट निकाल देता हूँ, राइट लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि राइट लिमिट तो ट्वेंटी वन ही आएगा, ठीक है ना, लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, नाउ लिमिट इसको कोई इक्वेशन कर देते हैं, थर्ड इक्वेशन कर देते हैं, अब हम निकालेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू टेन माइनस एफ ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ने कितना पुट करने वाला है, टेन माइनस एच, ठीक है, कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टेन माइनस एच का मतलब टेन से कम, टेन से कम सेकंड डेफिनेशन लगेगी, सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है, ए टाइम्स इनपुट, इनपुट कितना है, टेन माइनस एच प्लस बी, अब एच इज इक्वल टू जीरो आप रख दो इसमें, कितना आ जाएगा, टेन ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक, और एफ ऑफ टेन कितना, ट्वेंटी वन, एक इक्वेशन ही बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड में ये वैल्यू पुट कर दें, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, टेन ए प्लस बी, और फंक्शन की वैल्यू जो है टेन पे कितनी है, ट्वेंटी वन है, एक इक्वेशन ये बन गया, टेन ए प्लस बी इक्वल ट्वेंटी वन, इसको इक्वेशन फोर कर देते हैं बस, अब मुझे कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए पहला इक्वेशन ये वाला इक्वेशन टू, सेकंड नंबर वाला इक्वेशन कितना, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव, इसको लिख लेते हैं, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव, और टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, टेन ए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, फाइव माइनस सिक्सटीन, ठीक है ना, फाइव माइनस ट्वेंटी वन कितना आ जाएगा, माइनस सिक्सटीन, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन बाई टेन, माइनस एट बाई फाइव, ठीक, और ये रख दें अगर फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू फाइव माइनस टू ए, फाइव माइनस टू ए मतलब प्लस
टू ए का मतलब कितना जाएगा 16/5, कितना जाएगा 41/5। एक बार कैलकुलेशन इसका चेक कर लो, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 2a-10a, अगर इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट लग रहा था, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक जैसा लग रहा था, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 2a-10a कितना हो जाएगा -8a = -16। ए की वैल्यू अब यहाँ से इसको मैं रफ़ कर देता हूँ आगे की चीज़ें, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको रफ कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a = कितना आ जाएगा 2, ठीक। और अगर a = 2 अगर हम लोग पुट कर दें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, कितना हो जाएगा 4+b = 5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5-4, b = 1 आ जाएगा। तो ये करेक्ट होगा, a = 2 and b = 1, दिस इज़ करेक्ट आंसर। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन पे जो है ना, कंपोजिशन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने पे आपके दो तीन प्रॉब्लम है, 31, 32, 33। तो जो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन से मिलकर बने होते हैं, उन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक मैंने थ्योरम आपको बताया था, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कोई भी एक बता देता हूँ इसमें से, मान लो 32 में बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ये है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन सो दैट द फंक्शन दिस f(x) = |cos x, एक फंक्शन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा ये है कि f(x) = |cos x, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है, f(x) = |cos x, इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपोजिशन फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, लेट g(x) = cos x, ठीक है, और h(x) = |x, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, h कंपोजिशन g निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा h(gx) आ जाएगा, और यहाँ पे h(gx) हमारा कितना है, gx है cos x, और h(cos x) कितना आने वाला है, mod(cos x) आने वाला है, क्यों, ये देखो h(input) = जो भी यहाँ पे इनपुट दोगे वो मॉडुलस में चला जाएगा, तो इनपुट कितना दे रहे हैं, कॉस एक्स दे रहे हैं, तो मॉडुलस में कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब जो mod(cos x) है इन दो फंक्शन के कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि since f(x) is composition of two continuous functions, therefore it is continuous on R, ठीक है ना। देखो ये जो हमारा फंक्शन है ना cos x, ये क्या होता है, ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है cos x हमारा जो होता है, और जो हमारा mod x होता है ये भी फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए और ये फंक्शन जो हमारा है ना mod(cos x), ये इन दोनों के कंपोजिशन से मिलकर बना है, इसलिए ये भी फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये जो लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जो है, क्योंकि जो है आगे इसी तरीके के जो अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।